हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स। और आज की वीडियो में बताएंगे हम आपको एनेस्थेशिया के बारे में। ये फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एंड मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जो सब्जेक्ट है हमारा, उसके अंदर भी जो टॉपिक है आपके फर्स्ट ईयर के साथ सेकेंड ईयर भी कवर कर रहे हैं हम। इसके अंदर ये टॉपिक है जो कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट में इंक्लूडेड है। बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स एंड जीएनएम नर्सिंग स्टूडेंट्स दोनों के लिए है, ठीक है। हम इसके अंदर पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और इसके टाइप्स के बारे में, और साथ ही साथ उनके एग्जांपल के बारे में। ये इसके अंदर हिंदी में भी इंक्लूडेड है, आपको हिंदी में बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले इसका देखेंगे हम इंट्रोडक्शन। एनेस्थेशिया इज अ ग्रीक वर्ड मीन्स सेंसेशन। एनेस्थेशिया क्या है? एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ है सेंसेशन। एन मतलब क्या होता है? विदाउट, ठीक है। एस्थेशिया मतलब क्या होता है? एस्थेसिस मतलब सेंसेशन, यानी कि इसका अर्थ हो गया विदाउट सेंसेशन, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो इसकी डेफिनेशन क्या है? एनेस्थेशिया मीन्स ड्रग विच कॉज लॉस ऑफ सेंसेशन। ऐसी ड्रग्स जो क्या है सेंसेशन को कम करती है उसको कहेंगे हम एनेस्थेशिया। या दूसरी भाषा में इसकी देखेंगे हम इजी वे में पढ़ने के लिए, सर्जरी और पेनफुल प्रोसीजर से पहले पेशेंट के कॉन्शियस में आंशिक मतलब थोड़ा या पूर्ण रूप से कमी लाना एनेस्थेशिया कहलाता है, ठीक है। हिंदी अर्थ आपको समझ में आया होगा। पेनफुल प्रोसीजर हो गया, कोई सर्जरी हो गई, उससे पहले पेशेंट को क्या है बेहोश करने के लिए जो दवाई दी जाती है उसको कहेंगे हम एनेस्थेशिया, ठीक है। ये इजी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कॉन्शियसनेस मतलब चेतन, मतलब अभी आप जाग रहे हो, ठीक है। रात को आप सोते हो तो सेमी कॉन्शियस होते हो, यदि कोई बेहोश हो गया पूरा तो उसको हम कहेंगे अनकॉन्शियस, ठीक है। अनकॉन्शियस करने के लिए उसको हम एनेस्थेशिया देते हैं। नॉर्मल टर्म आपको पता ही होंगे लेकिन कुछ बच्चों को नहीं पता होगा तो उसके लिए हम बता रहे हैं। अब टाइप ऑफ एनेस्थेशिया कौन कौन से टाइप है? पहला है लोकल एनेस्थेशिया, सेकेंड है जनरल एनेस्थेशिया और थर्ड है रीजनल एनेस्थेशिया। ये तीन मेन एनेस्थेशिया के टाइप्स हैं, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे हम। सबसे पहला हमारा लोकल एनेस्थेशिया सबसे कॉमन है, ठीक है। और लोकल एनेस्थेशिया के बारे में पढ़ेंगे। ये एनेस्थेशिया किसी स्पेशल पार्ट एरिया पर इंजेक्शन या फिर स्किन पर अप्लाई किया जाते हैं, ठीक है। ये ऐसे एनेस्थेशिया होते हैं जो कि स्पेशल पार्ट पे, जैसे कि आपके कोई सर्जरी करनी है हाथ के ऊपर कोई, ठीक है। हाथ के ऊपर मतलब कोई फ्रैक्चर हो गया, मतलब छोटा सा कुछ है ट्यूमर वगैरह, तो उसको निकालने के लिए उसी साइट में क्या हम करेंगे, आसपास उसके सराउंडिंग एरिया में क्या करेंगे हम, ये लोकल एनेस्थेशिया इंजेक्ट करेंगे या फिर अप्लाई करेंगे। कैथेटर वगैरह लगाते हैं तो हम इसको क्या है, कैथेटर जो होता है हमारा, ठीक है, उसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं जिससे हम इजीली इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। वो लोकल एनेस्थेशिया ही होता है जो इंसर्ट करते हैं, और कोई इंजेक्टेबल हो रहा है तो मतलब उधर इंजेक्ट करेंगे, ठीक है। इसका इफेक्ट उस स्पेशल पार्ट या फिर एरिया तक ही रहता है, ठीक है। उसका सिर्फ इस ये एरिया है इधर तक ही उसका लिमिट रहेगा, उसके अकॉर्डिंग उसके बाहर कोई इफेक्ट नहीं होगा। इंग्लिश में देखेंगे तो पर्टिकुलर पार्ट ऑफ लॉस ऑफ सेंसेशन, मतलब इसमें जो पर्टिकुलर पार्ट है उसको लॉस ऑफ सेंसेशन के लिए क्या है लोकल एनेस्थेशिया का यूज़ किया जाता है। इसके एग्जांपल क्या हो गए? सबसे पहला है प्रोकेन, कोकेन एंड लिग्नोकेन। ये आपको तीन इजीली में याद करना है, प्रो को एंड लिग्नो, पीछे केन आपको याद रखना, खाली केन लगाना है। प्रोकेन, कोकेन एंड लिग्नोकेन ये एग्जांपल है, ये ड्रग्स के नाम है, मतलब ठीक है इंजेक्शन है इनके नाम है। ये आपके जो स्किन पे लगाने के लिए भी फॉर्म में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पहला लोकल एनेस्थेशिया। अब बात करते हैं हम सेकेंड जनरल एनेस्थेशिया। जनरल एनेस्थेशिया, इस एनेस्थेशिया का यूज़ मेजर सर्जरी के लिए किया जाता है। यह पर्टिकुलर टाइम के लिए पेशेंट को फुली अनकॉन्शियस कर देता है, मतलब ये मेजर सर्जरी कोई हो रही है, ठीक है, कोई फ्रैक्चर वगैरह हो गया बड़ा, तो उस कंडीशन में हम क्या है जनरल एनेस्थेशिया को
यूज़ करते हैं, जिसके कारण पर्टिकुलर मतलब 2-3 घंटे के लिए क्या है, पेशेंट बेहोश रहता है। ठीक है, हम उस पेशेंट बेहोश होता है तो उस कंडीशन में हम उसको ऑक्सीजन बाहर से देते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि कॉन्शियस अनकॉन्शियस हो जाएगा, पेशेंट बेहोश हो जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा उसको सांस लेनी, मतलब भूल जाता है, उसका ब्रेन काम करना आधा बंद हो जाता है। ठीक है, मेजर सर्जरी के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। आप इसके एग्जांपल बता देते हैं आपको, आईवी यानी इंजेक्शन फॉर्म में कौन सा आएगा, बेंजोडाइजेपाइन। ठीक है, बेंजोडाइजेपाइन क्या इंजेक्शन फॉर्म में, बाकी इन्हेलेशन मतलब गैस फॉर्म में, ये हमारी क्या है गैस फॉर्म में, इथर एंड नाइट्रस ऑक्साइड, ये आपको गैस फॉर्म में मिलेगी। बहुत सी मूवी में आपने देखा होगा कि हवा छोड़ने पर मतलब क्या लोग बेहोश हो जाते हैं इस कंडीशन में। ठीक है, ऐसे आपको बहुत से एग्जांपल मिलेंगे। ये दोनों हमारी क्या है, इन दोनों से का यूज़ किया जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड एंड इथर का। और आईवी फॉर्म में तो आपको पता ही है, बेंजोडाइजेपाइन आपका यूज़ कर सकते हैं जनरल एनेस्थेसिया के रूप में। अब थर्ड हमारा लास्ट है कौन सा, रीजनल एनेस्थेसिया। ठीक है, इसमें लोकल एनेस्थेसिया एजेंट, हमारा लोकल एनेस्थेसिया एजेंट कौन से थे, प्रोकेन, कोकेन एंड लिग्नोकेन को स्पाइनल कोर्ट के सब अरोकनेट स्पेस में इंजेक्ट किया जाता है। अब सब अरोकनेट स्पेस आपको पता ही होगा कौन सा है। ठीक है, उस भाग में क्या है, हमारा इस जनरल एनेस्थेसिया को इंसर्ट किया जाता है। इसका पर्पस सेंसरी व मोटर फंक्शन, मतलब आपका जो बॉडी फंक्शन है उसको रोकना है, सेंसरी जो पार्ट पूरा मतलब आपको टच करने पे पता चल रहा है तो उसको भी रोकना है, पूरी बॉडी को क्या है अनकॉन्शियस बेहोश करने के लिए कौन सी यूज़ करेंगे, रीजनल एनेस्थीसिया, जो कि आपके रीढ़ की हड्डी में इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, बहुत सी बार आपने एग्जाम्पल देखा भी होगा। तो हमारा ये था थर्ड पार्ट, रीजनल एनेस्थेसिया। तो ये तीन हमारे क्या है एनेस्थेसिया है। ठीक है, लोकल एनेस्थेसिया, जनरल एनेस्थेसिया एंड रीजनल एनेस्थेसिया। तो आपको समझ में आ गया कौन सी चीज़ कौन सा एनेस्थेसिया कम काम में आता है, और इसके एग्जांपल भी आपने इसके अंदर देखे हैं। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन वगैरह आपने इसके पढ़ ली होगी, कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर करने से पहले पेशेंट को बेहोश किया जाता है। ठीक है, उसको हम एनेस्थेसिया कहेंगे। इसकी टीम होती है, एनेस्थेटिस्ट रहते हैं, बहुत से डॉक्टर रहते हैं। ठीक है, एनेस्थेटिक नर्स रहती है। ठीक है, ऐसी पूरी टीम रहती है इनकी, वो काम करती है। ये शॉर्ट नोट थे इसके ऊपर, एनेस्थेसिया के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा एनेस्थेसिया क्या होता है। ठीक है, इसके इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और इसके टाइप्स के बारे में, और कौन सा एनेस्थेसिया कब यूज़ होता है वो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल नर्सिंग नोट्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।